कोरोना काल में बाल मजदूरी बढ़ी है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी से लेकर बच्चों के लिए काम करने वाली एनजीओ ही नहीं बल्कि आमजन इसकी कोरोना काल में मेवात जिले में गरीबी के साथ साथ बच्चों को बुराइयों से बचाने एवं उनका समय बिताने के लिए माता पिता ने उनसे बाल मजदूरी करवाई। वैसे तो आर्थिक स्थिति से मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है, जिसकी वजह से पहले भी राज्य के दूसरे जिलों के मुकाबले यहाँ बाल मजदूरी की संख्या अधिक थी, लेकिन रही सही कसर कोरोना काल ने पूरी कर दी। ऐसी बड़ी संख्या में बच्चे होटलों ढाबों के अलावा भीख मांगते दिखाई दिए, जिनकी आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा करना मजबूरी बन गई थी। जब इस बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत पिछले कई सालों से काम कर रही चेतनालय एनजीओ की पदाधिकारी एनी सिस्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उनकी संस्था ने मेवात जिले के पुनहना पिनगवा नुह इत्यादि शहरों कस्बों में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए रेस्क्यू चलाया था। उन्होंने कहा है कि 10-15 बच्चे महीने में उनकी टीम ने रेस्क्यू किए और उनको कार्रवाई के लिए CWC के हवाले कर दिया गया। एनी सिस्टर मानती हैं जब इसकी पड़ताल की गई तो बाल मजदूरी के पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह मिली। इसके अलावा स्कूल बंद थे, अभिभावकों ने कहा बुराई से बच्चे बच सकें और इसका समय बीत सके, इसलिए बाल मजदूरी कराई गई। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। कोरोना काल में बाल मजदूरी के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों का जो डाटा था ड्रॉप आउट का, वो रेशियो तो ऑटोमेटिक था कि स्कूल बंद थे पूरे भारतवर्ष में। तो जहाँ तक हम मेवात इलाके की बात करेंगे तो मेवात में तो बाल मजदूरी के केस पहले भी बहुत थे। हमने बहुत प्रयास किया था क्राइम ब्रांच गुड़गांव के साथ और अपना लेबर विभाग के साथ हमने प्रयास किए थे, लेकिन बात अगर हम स्पेशल कोरोना समय की अगर हम बात करें तो कोरोना समय में संख्या बढ़ी है बाल मजदूरी के लिए। हमारा रेस्क्यू अभियान समय समय पर चला है कोरोना वायरस के इमीडिएट, जैसे ही जून में ऑफिस जो हमने ज्वाइन किया था तो हमने लेबर पे काम किया था कि बाल मजदूरी बच्चे ना करें, उनका अभिभावकों को रेस्क्यू के समय समझाए और भी आगे हमारा अभियान अभी भी कंटिन्यू है हमारा अभियान इन बच्चों के लिए। आंकड़ों का ऐसा कोई फिगर फिक्स नहीं है कि जिसमें हम एनालाइज कर सकें कि इतने बच्चे हमारे यहाँ पे बढ़े, बाकी कोरोना कार्यकाल से संख्या बढ़ी है बाल मजदूरी, बाल जो बच्चे भीख मांग रहे उसमें मेरा जो हमारे समाज सेवक है हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि समाज में इस जो बुराई है इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऐसे बच्चों के लिए एक स्कीम है स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको स्कीम से जोड़ने का एक प्रावधान है, जिसमें अभी जो जो हम मेवात की अगर हम बात करें तो अभी अप्रोक्स हम 200 बच्चों को इस स्कीम का लाभ दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मजबूरी में भी इस बीमारी से संलिप्त हो रहे हैं जहाँ तक बाल मजदूरी, उन बच्चों को हम उस स्कीम के साथ हमने जोड़ा है। हमारा प्रयास हर संभव प्रयास रहा है कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा माहौल दें, अच्छा जो बच्चे की जो परवरिश का मामला है उससे हम जोड़ें उसको। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से हम लोग जैसे रेगुलर हमारा रेस्क्यू चलता है वैसे हम नहीं कर पाए, फिर भी हम लोगों को न्यू शहर में पुनहाना पिनंगवा जैसे इलाके में मार्केट इलाके में हमें काफ़ी बच्चे काम करते हुए मिले। एक महीने में 10-15 बच्चे तो ज़रूर मिले हैं, हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और CWC में हम लोग इन बच्चों को पेश किया है और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों का जो डिटेल है घर में किस वजह से बच्चे मजार में आते हैं काम करने के लिए ये पता करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, तो पता चला कि घर की जो गरीबी है उस वजह से बच्चे काम कर रहे थे और स्कूल बंद है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। माँ बाप का ये कहना था कि स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चों को हम बाजार भेजते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके अपना टाइम बिताए, नहीं तो बच्चे गलत काम में पड़ जाएंगे, ये था माँ बाप का कहना। हम बच्चों को रेस्क्यू करके CWC में पेश करते हैं और वहाँ से फिर कार्रवाई होती है।
हमारा संस्था चेतनालय है और बाल हेल्पलाइन हमारा सरकार का एक प्रोग्राम है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये काम चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है। और 2015 से हम लोग मेवात में बाल हेल्पलाइन के द्वारा काम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का एक्चुअली चेतनालय संस्था काम कर रही है 1998 से मेवात में कार्यरत है चेतनालय। घर में माँ बाप के कहने पर बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, क्योंकि ये लोग अगर बच्चे घर पे बैठ रहे हैं, शरारतियाँ करते हैं, बच्चों का टाइम पास नहीं होता है, इस वजह से माँ बाप भेज देते हैं। दूसरा, गरीबी की वजह से लॉकडाउन में लोगों को काम करने के लिए ना कुछ मौका नहीं था, जॉब में जाने के लिए या अपना काम करने के लिए, इस वजह से भी बच्चों से काम कराना पड़ा उन्हें। और दूसरा, बेरोजगारी तो हमारे इस जगह में इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। हम लोग पुलिस की हेल्प लेते हैं जब रेस्क्यू के लिए जाते हैं, पुलिस की हेल्प लेते हैं और हम लोग रेस्क्यू करते हैं। और COVID-19 का जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, ये सब डिस्टेंसिंग, ये सारा प्रोटोकॉल का हम लोग रखते हुए बच्चों को रेस्क्यू करते हैं।